और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और काफी देर तक ये झटके महसूस हुए हैं। 2:53 पर जोरदार झटका भूकंप का आया है। तो बड़ी खबर, दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए हैं। 2:53 पर ये भूकंप के झटके आए और काफी देर तक जमीन हिलती रही। काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग घरों से बाहर आ गए, अपने दफ्तरों से बाहर आ गए। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। इससे पहले भी कई बार भूकंप आया है, लेकिन आज जो भूकंप आया है, काफी देर तक उसके झटके महसूस किए गए, काफी तेज थे। 2:53 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। हालांकि अब रिक्टर पैमाने पर स्केल पर क्या स्थिति थी वो अपडेट मिलेगा तो आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 2:53 पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज और जोरदार झटके महसूस हुए हैं और काफी देर तक धरती हिलती रही दोपहर 2:53 पर। और जैसे ये भूकंप के झटके आने शुरू हुए, लोग अपने घरों से बाहर आ गए, लोग अपने दफ्तरों से बाहर आ गए। और एक और अपडेट है कि उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 2:53 पर ये झटके महसूस हुए, लेकिन अब अपडेट ये आ रहा है कि दिल्ली एनसीआर के साथ ही साथ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। तो बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और काफी देर तक ये झटके महसूस हुए हैं, काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस हुए। उत्तराखंड से भी बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में सिलसिलेवार तरीके से भूकंप के झटकों का आना जारी है। कुछ दिन पहले भी ये झटके महसूस हुए थे, लेकिन आज जो भूकंप आया है वो काफी तेज था। दोपहर 2:53 पर ये झटके महसूस होने शुरू हुए। अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं दिल्ली एनसीआर में, उत्तराखंड से भी खबर सामने आ रही है, रिक्टर पैमाने पर क्या तीव्रता थी, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, शुरुआती तौर पर ये जो जानकारी निकल के सामने आई है, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता जो है 4.6 मापी गई है, जैसी कि जानकारी निकल के सामने आई है। और इसका केंद्र जो है नेपाल में बताया जा रहा है, लेकिन ये जो झटके हैं ये पूरे उत्तर भारत में, खास तौर पर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड के इलाकों की बात करते हैं, और ये झटके लखनऊ और गोरखपुर तक महसूस किए गए हैं। और शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो ये इसकी तीव्रता है वो 4.6 जो है सामने आई है। और इसी वजह से ये खास तौर पर जिस वक्त मैं यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली में हूँ, यहाँ पर कई जो सरकारी दफ्तर हैं उनके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी जो बिल्डिंग के नीचे हमको नजर आ रहे हैं। और ये जो इसकी जो गहराई है वो जो है मापी गई है करीबन 10 किलोमीटर नीचे, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे। इसी वजह से ये जो आस पास के इलाके हैं यहाँ पर ये काफी तेज झटके महसूस हुए हैं। बिल्कुल अंकित, हमारे साथ बने हुए वरुण जैन भी जुड़ गए हैं। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर के साथ ही साथ उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। वरुण, काफी तेज तीव्रता थी भूकंप के झटकों की, क्या इसका केंद्र रहा है, रिक्टर पैमाने पर क्या तीव्रता रही है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो इसका केंद्र है वो नेपाल बताया जा रहा है, और रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता है वो 4.6 इसकी बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी इसका खासा असर देखा गया है, पूरे उत्तर भारत के अंदर काफ़ी तेज झटके महसूस हुए। इस वक्त मैं लोधी कॉलोनी इलाके में हूँ और आपको बता दूँ यहाँ पर भी हमें खुद जो तेज झटके हैं वो भूकंप के यहाँ पर महसूस हुए। काफ़ी कई सेकंड्स तक, करीब 10 से 15 सेकंड तक जो झटके थे वो लगातार महसूस होते रहे। हालांकि क्योंकि खुला इलाका है, यहाँ आसपास किसी तरह की कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, इसलिए उसका इतना ज्यादा प्रभाव आसपास सड़क बिल्कुल पर और वरुण बने रही है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए जिस तरीके से जब भूकंप आया तो क्या हालात थे, लाइटें हिल रही थी, पंखे हिल रहे थे,
भारी भरकम सामान बेल रहा था। इतनी ज्यादा तीव्रता इस भूकंप की थी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.6 मापी गई है। उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर भी भूकंप आया है। और आप ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है खासतौर से जो सीलिंग पर रहते हैं वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। दिल्ली एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड में भूकंप के तेज और जोरदार झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 और नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है। ABP News आपको रखे आगे।